यानी बीजेपी सरकार जो है ऊपर ऊपर उड़ रही है, नीचे जमीन पे नहीं देख रही है क्या हो रहा है। किसान का गल्ला जो है औने पौने बातों में बिचौलियों को बेचना पड़ता है, वहाँ जाओ कि ये नमी है, कि ये रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कि ये नहीं हुआ, कि वो नहीं हुआ। हमारी देखिए आप हाफिसगंज से चलेंगे हरेरपुर तक, खस्ता हाल है पूरा, खस्ता हाल, पानी भरा हुआ है, कई फेरा तो उसमें गिर जाते हैं लोग बाग, वहाँ पर कपड़े उनके खराब हो जाते हैं। हमारे ये बुढ़े जानवर हैं, इनको कैसे करके, या जो आवारा पशु हैं उनको हम किस तरह से रखें, उनका कोई नहीं है। अगर आप जाएं कहीं पर जहाँ पर इन्होंने गौशाला खोली है, उनमें उनको चारा नहीं मिल रहा है, उसमें भी घोटाला हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ाई है। जहाँ पर ये लोग लगे हुए थे उनको हटाया गया है, कंप्यूटर राइट किया है, सबको ऑनलाइन किया है, जहाँ चार आदमी जुड़े हुए थे वहाँ एक आदमी काम कर रहा है। इससे बेरोजगारी फैली है, बेरोजगारी खत्म नहीं हुई है। कारवां टीवी हर पल आपके साथ, स्वागत है आपका कारवां टीवी में। मैं हूं आपके साथ रियाज गुड्डू अंसारी। जैसा कि आपको पता है 2022 का चुनाव बहुत करीब आ गया है, जिसको लेकर आज हमारा कारवां पहुंचा है ग्राम बकैनिया में, जहां पर हम जानेंगे यहां के लोगों को, यहां के ग्रामीणों को किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सर। मेरा नाम संजय गंगवार। गंगवार साहब, ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके की योजनाओं का लाभ आपके गांव में लोगों को मिल रहा है, आप सम्मानित व्यक्ति हैं यहाँ के। योजनाओं तो चलाई थी अच्छी, लेकिन योजनाओं का जो प्रयोग है जमीनी स्तर पर ठीक तरीके से नहीं हुआ। शौचालय आए थे, शौचालयों का ये हुआ किसी के जिसके बने हुए हैं चहतों के, वह उसी में पैसे निकाल के दे दिए। अभी कई ऐसे बुजुर्ग हैं हमारे गाँव में जिनके बिल्कुल घर में कैसा भी शौचालय नहीं है, अब वो रस्ते में सोच करने के लिए मजबूर हैं वो लोग। अच्छा, और जो नीतियां हैं जैसे जो सरकार की तरफ से चलाई गई थी, जिस तरीके से आवास हैं और सामुदायिक शौचालय, जो अच्छी सड़कें, अपराध पर अंकुश, किस नज़रिए से आप देखते हैं? नीतियां तो कुछ अच्छी भी चली और कुछ नीतियों में थोड़ा बुराइयां भी हैं। आपको बुराइयां कहां पर लग रही हैं? बुराइयां जैसे सबसे बड़ी बात है, जो सरकार ने तो सोचा 2 रुपये किलो में गल्ला दें, लेकिन उसका प्रयोग सही तरीके से नहीं है। उसमें और आदमी जो निठल्ला है वो बिल्कुल और बेरोजगार हो रहा है। कुछ ना कुछ अंश लेना चाहिए, आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। किसानों को लेकर क्या कहेंगे, जो आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में किसान, उसको लेकर क्या कहेंगे? किसानों को क्या, सबसे बड़ी बात है हम लोगों को जो गन्ना की लागत है पूरा रेट मिल जाना चाहिए, कम से कम 400 रुपये तो मिनिमम होना ही चाहिए। और किस चीज़ की जरूरत है आपके गाँव को अभी? अभी हमारे गाँव को तो अधिकतम ज़्यादातर विकास की ज़रूरत है। रोड अभी हमारे यहाँ ऐसे ही पड़े हुए हैं और आप देख ही रहे हैं सामने रोड, बस थोड़ा ये विकास हो जाए बस रोड का। सामने रोड जो आपने, हमने अभी देखा था निकल के आए थे, सामने जो रोड पड़ा हुआ है किस तरीके का रोड है, कब डलवाया गया था ये और किस तरीके से टूट गया ये? रोड तो अभी पड़ा है 5 साल नहीं, 3 साल पहले ही, लेकिन जो जिस गुणवत्ता से पड़ना चाहिए उस गुणवत्ता से नहीं पड़ा। कुछ हम लोगों की भी कमियां रहती हैं, जो नालियों का पानी हम ऊंचा कर लेते हैं और वो रोड पर छोड़ देते हैं, हम लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे संजय गंगवार जी। आगे हमारे बुजुर्ग खड़े हुए हैं, इनसे भी जानेंगे। चाचा, आपने बहुत सी सरकारें देखी होंगी, बहुत सी महंगाइयाँ भी देखी होंगी और बहुत सी चीज़ें देखी हैं आप, काफ़ी बुजुर्गों को बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं जानना चाहूँगा किस तरीके का आपके गाँव को लोगों को लाभ मिला है। आप जो है लोग अल्लाह उल्ला बन रहा हुआ और शौचालय ना बने का हुए हमारे को ना बनो। क्या लग रहा है सरकार की योजनाओं का दुरुपयोग हुआ है, क्या लग रहा है आपको? सरकार ने दौ बदरी नहीं और खाजात पे दान सब का करो का करो जाए। अच्छा, जो सरकार की और नीतियां हैं उनसे आप कितना संतुष्ट हैं? जिस तरीके से वादा किया गया था पर अंकुश लगाया, महिलाएँ सुरक्षित हैं? महिला थोड़ा तो कहाँ है, नहीं सुरक्षित है, खुल के बोलिए क्या कोई बात नहीं, ये बताइए सरकार से, आप सरकार की योजनाओं से? हमें तो गन्ना का ही लाभ मिला और तो कोई लाभ मिल नहीं रहा है।
आवास वगैरह? आवास अभी कुछ नहीं। चमचमाती सड़कों का जो वादा हुआ था, वो चमचमाती सड़कें आपको मिली हैं? फिलहाल हमारे यहाँ की नहीं हुई है। नहीं हुई। ये जो आपके सामने टूटा हुआ रोड है, ये किस ग्राम उसमें आता है? बकेनिया में। नहीं नहीं, ये किस विभाग में आता है आप बताइए? पीडब्ल्यूडी में आता है। हाफिजगंज। तो क्या लग रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही तो ये रोड पड़ा था? नहीं, कुछ दिन पहले नहीं पड़ा, पिछले 5 वर्ष में पड़ा था। एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सरकार ने फ्री आवास दिए, वो फ्री आवास ग्रामीणों को मिले कि नहीं मिले? हाँ, 2-4 मिल चुके हैं लोगों को गांव में। मिले हैं। एक बात और बता दीजिए हमें, इससे पहले जो प्रधान थे उनके बिजली कितनी आती है यहाँ पर? बिजली लगभग आ रही है 18-20 घंटे, लेकिन जो भी सुविधाएं मिल रही हैं ये पता नहीं है कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं। सरकार के बारे में जानकारी मिलने क्या, आप क्या कहना चाहते हैं, इसी सरकार को देखना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं? हम तो साहब ये चाह रहे हैं कि सरकार यही रहे, लेकिन जो सुविधाएं हैं, जो मुख्य सुविधाएं हैं, वो मिलनी चाहिए। ठीक है, हम और लोगों से बात करेंगे। चाचा हम इधर आ जाइए, थोड़ा मैदान में आपसे बात कर लें हम। इधर आइए, थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपकी दिली ख्वाहिशें क्या हैं सरकार के प्रति? हमारी तरफ तो, सरकार की तरफ तो ये है कि किसान को इसने कोई राहत नहीं दी आज तक, किसी तरह की कोई राहत नहीं है। गन्ना का मूल जब से ये सरकार आई है, कोई आज तक एक पैसे का नहीं बढ़ा बिल्कुल। किसान का गल्ला जो है, औने पौने बातों में बिचौलियों को बेचना पड़ता है, वहाँ जाओ कि ये नमी है, कि ये रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कि ये नहीं हुआ, कि वो नहीं हुआ, चार पाँच दिन पड़े रहता है वैसे ही गल्ला। आपने बहुत सी सरकारें देखी थी, और सरकारों में और इस सरकार में आपको क्या अंतर लगा? अंतर ये है कि इन्होंने कुछ गुंडागर्दी तो ख़त्म करी, भू माफिया ख़त्म करे, और विदेशों में इसने नाम कमाया, लेकिन खासकर सबसे बड़ा तबका है जो कि पूरे देश को पाल रहा है, दूसरे देश भी इस पर निर्भर रहते हैं, किसान अन्नदाता के लिए इसने कुछ नहीं किया। जबकि मैं बीजेपी का जन्म का कार्य करता हूँ। जी जी बाबा, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अन्नदाता आज दिल्ली में आंदोलन कर रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि वो दूसरे तरीके से उसको पेश कर रहे हैं। वो तो ऐसा है, एक दूसरी पार्टी जो है एक दूसरे को ऑब्जेक्शन लगाती है, लेकिन मांगे जो हैं उनकी सही हैं, किसान की तरफ ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि बदलाव चाहते हैं बाबा, या फिर दूसरी पार्टी? नहीं, बदलाव तो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि आजीवन सदस्य हैं इसके, इसलिए हम इसको अपोजिशन में नहीं बोल सकते। लेकिन जो असली चीज़ है, जो आपको कहनी चाहिए, पत्रकारों को उसको भेजनी चाहिए, हमारी देखिए आप, हाफिजगंज से चलेंगे हरेरपुर तक, खस्ता हाल है पूरा, खस्ता हाल, पानी भरा हुआ है, कई फेरा तो उसमें गिर जाते हैं लोग, बाग वहाँ पर कपड़े उनके ख़राब हो जाते हैं। तो ये हाल चल रहा है, इन्होंने क्या किया, सड़क के किनारे किनारे तो बनवा दिया कि हाँ कोई निकलेगा देखेगा हाँ सड़क सही है। यानी बीजेपी सरकार जो है ऊपर ऊपर उड़ रही है, नीचे ज़मीन पर नहीं देख रही है क्या हो रहा है, उन्हें ज़मीन पर देखना चाहिए। बाबा बुज़ुर्ग हैं आप, यहाँ पर बहुत कुछ देखा है आपने, जिस तरीके से गांवों क्षेत्रों से शिकायतें आ रही हैं कि आवारा पशु फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, किस नज़रिए से आप उसको देखते हैं? आप उसको ऐसा है, इन्होंने जो गौ प्रबंधन लगाया है सही लगाया है हिंदू समाज के लिए, क्योंकि गौ को जो पूजा करते हैं वो सही है, लेकिन उनको जो इंतजाम भी तो करना चाहिए कि हमारे ये बुड्ढे जानवर हैं, इनको कैसे करके, या जो आवारा पशु हैं उनको हम किस तरह से रखें, उनका कोई नहीं है। अगर आप जाएं कहीं पर जहां पर इन्होंने गौशाला खोली हैं, उनमें उनको चारा नहीं मिल रहा है, उसमें भी घोटाला हो रहा है। अच्छा बाबा, एक बात और जानना चाहेंगे, उम्र के मुताबिक एक बात और कहूँगा कि जिस तरीके से नौजवानों को नौकरियाँ देने का वादा किया था, आपको लग रहा है कि नौजवानों को नौकरियाँ दी गई हैं? बेरोजगारी बढ़ाई है, जहाँ पर ये लोग लगे हुए थे उनको हटाया गया है, कंप्यूटर राइट किया है सबको, ऑनलाइन किया है, जहाँ 4 आदमी जुड़े हुए थे वहाँ 1 आदमी काम कर रहा है, इससे बेरोजगारी फैली है, बेरोजगारी ख़त्म नहीं हुई है।
ठीक है। तो आपने देख लिया यहाँ के लोगों के विचार, हम आपको पल पल की अपडेट दिखाते रहेंगे, बने रहें कारवां टीवी में। मैं हूँ आपके साथ रियाज गुड्डू अंसारी, और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल की आप लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बन जाएं हमारी हर खबर के हम सफ़र। जय हिंद दोस्तों। कारवां टीवी हर पल आपके साथ।